हेलो, मुझे एक सर्विसिंग बुकिंग करना था अपने होंडा गजिया के लिए। होंडा वालों की तरफ से जो है वो मैसेज भी आ चुका है, तो सर्विसिंग के लिए किधर घुसा है? सर्विसिंग के लिए क्या चीज जो मुझे यहाँ पे आके पता चला कि वेट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है आपको, तो पूरा दिन लग जाता है यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में है होंडा ग्राजिया बेस 6 की जो फर्स्ट सर्विसिंग है वो वाली वीडियो, जो कि मैं काफ़ी पहले शूट कर चुका हूँ। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एकदम बुकिंग से लेके कितना पैसा खर्च होता है फर्स्ट सर्विसिंग में सब कुछ। और मेरे हाथ में फिलहाल है होंडा ग्राजिया बेस 6 की ओनर मैनुअल, और इसके पीछे जो है कुछ नंबर्स हैं वो दिए गए हैं सर्विसिंग बुक करने के लिए। आपको जो सर्विसिंग की जो स्लॉट है वो पहले फ़ोन करके बुक करना पड़ता है। तो यहाँ पे चार चार नंबर दिए हुए हैं, चारों नंबर पे पहले मैं फ़ोन करके देखता हूँ कि कौन से नंबर पे फ़ोन लगता है। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। हेलो, मुझे एक सर्विसिंग बुकिंग करना था अपने होंडा ग्राजिया के लिए। सर्विसिंग के लिए आप और एक नंबर पे कॉल कर दीजिए प्लीज, सेम ही नंबर है। अभी आपने जो नंबर किया है सिर्फ लास्ट में 80 है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हेलो, मुझे एक सर्विसिंग बुकिंग करना था अपने होंडा ग्राजिया के लिए। कब के लिए? कल हो सकता है? सर कल तो नहीं होगा, कल का स्लॉट फुल हो चुका है, परसों आ जाइए 3 तारीख को। अच्छा ठीक है, कितने बजे आ जाओ? कितने बजे आप आ सकते हैं बोलिए। हाँ हो जाएगा। क्या नाम है? विशाल देव। कॉन्टेक्ट नंबर? राइट। फ्री सर्विसिंग? हाँ, थैंक यू। तो अपनी सर्विसिंग जो है बुक हो चुकी है और कल का स्लॉट जो है फुल हो चुका है, तो इसके लिए मुझे जाना होगा 3 तारीख को। तो मिलते हैं 3 तारीख को, ठीक है। तो होंडा वालों की तरफ से जो है वो मैसेज भी आ चुका है कि 10 बजे से लेके 11 बजे के अंदर आपको आना है हमारे यहाँ। तो सर्विसिंग के लिए मैं गया था करीब 10:30 बजे, और वहाँ पे जाने के बाद एक टोकन नंबर मिलता है और मुझे कहा गया था कि 10 से 11 बजे के अंदर मुझे जाना है, तो मैं उसी टाइम पे गया था। लेकिन ये मेरी गलती थी, आप अगर उससे आगे जाओगे तो आपको जो टोकन नंबर है वो पहले का मिलेगा और आपको थोड़ा सा मतलब जल्दी काम होगा आपका। तो मैं गया था 10:30 बजे, तो टोकन नंबर मुझे मिला था, मुझे याद नहीं 34 होगा शायद। उसे लेने के बाद काफी टाइम मुझे वेट करना पड़ा वहां पे सर्विसिंग के लिए। जो सीरियल नंबर है वो आपका जब आएगा उसके बाद ही आप गाड़ी है अपना जो स्कूटी है उसकी इन्फॉर्मेशन उनको दोगे, क्या क्या प्रॉब्लम है उनको बताओगे, तब जाके आपका काम जब वो शुरू होगा। के करीब मुझे 2-3 घंटे मुझे वहां पे खड़ा रहना पड़ा, उसके बाद अपनी बारी आई और मैंने जो प्रॉब्लम है उनको बताया, नंबर वगैरह सब कुछ दिया उनको, और मेरा जो बुकिंग है वो पूरा हुआ। वो भी बताते हैं कि क्या क्या चेंज होगा आपके गाड़ी में। तो मैं आपको बताता हूँ उन्होंने मुझे क्या क्या बताया। तो उन्होंने मुझे बताया जो इंजन ऑयल है वो चेंज होगा, उसके बाद वॉशिंग होगा, और उसके बाद जो ब्रेक्स हैं वो एडजस्ट होगा, ऑयल फिल्टर जो है वो चेक किया जाएगा, चेंज नहीं होगा उसे चेक किया जाएगा, और जो एयर फिल्टर है उसे भी चेक किया जाएगा मतलब वॉश किया जाएगा, ऑल बॉडी चेकअप होगा, टाइट वगैरह होगा। इंजन वॉश अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, वो पूछते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि जो फर्स्ट सर्विसिंग में आप जा रहे हो इसका मतलब आपका जो इंजन एकदम नया है, तो इसे इंजन फ्लश करने की कोई जरूरत नहीं है। इंजन वॉश मतलब इंजन फ्लश। तो इसका जो चार्ज है वो है 99 रुपीज, और मैंने उसे करवा लिया, मतलब मुझे देखना था। आपको मैं एडवाइस दूंगा कि आप उसे ना करो तो ही अच्छा है, सेकंड सर्विसिंग पे आप कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। और उसके बाद वो पूछता है कि आप अगर चाहो तो अपने टायरों पे जो नाइट्रोजन एयर है वो आप फील कर सकते हो, वो भी आपकी मर्जी, आप चाहो तो कर सकते हो। हमारे यहाँ पे हम नॉर्मल यूज करते हैं, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया नाइट्रोजन इसमें। और उसके बाद आती है बारी पॉलिश की। तो पॉलिश जो है वो मैंने पता नहीं क्यों हाँ किया, एकदम जरूरत नहीं है पॉलिश की, आप बिल्कुल मत करवाना, ऐसे धुलवा के वो दे देंगे। पॉलिश मैंने करवाया, उसके बाद जो पॉलिश है बहुत ज्यादा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि टपक रहा है पॉलिश ऊपर से, मतलब एकदम ऑयली ऑयली सा दिख रहा था मेरा जो ग्राजिया है वो। तो पॉलिश आप ना करवाओ तो ही अच्छा है। तो ये सब काम होने वाला था। जो काम वगैरह है मैंने सोचा था कि मैं देख पाऊंगा, जैसे मैं अपने बजाज के शोरूम पे अपनी RS 200 की सर्विसिंग करवाता हूँ देख देख के, तो ऐसा नहीं है, वो अंदर आपको जाने की परमिशन नहीं देते हैं, वो लेके जाते हैं आपकी स्कूटी और उसके बाद टाइम देते हैं कि आपको कब आके अपनी स्कूटी जो है वो लेके जाना है। तो मुझे टाइम दिया गया था 4:30 बजे का, करीब 2 बजे रहते तब। तो 4:30 बजे मैं आ गया वापस घर, क्योंकि काफी टाइम था मेरे पास, वहां पे खमा खा रहने की कोई जरूरत नहीं है।
4:30 बजे गया वहाँ पे, तो जो काम है वो 3:30 बजे कम्प्लीट हो चुका था और उसके बाद जो है सो है आप देख सकते हैं। और जो चार्जेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ कितना खर्च हुआ। 480 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा जो जरूरत नहीं था उसको भी मैंने डलवाया अपने स्कूटी पे। नहीं डलवाओगे तो आपको 200 और भी कम पड़ेगा, मतलब टोटल आपका खर्चा जा सकता है 250 के आसपास। फ्री सर्विसिंग है इसमें, आपको जो चीज आप डलवाओगे उसका पैसा आपको देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ जो लेबर का खर्च है वो फ्री में होता है और जो वॉशिंग है वो फ्री में होता है, बस इतना ही। तो अभी मैं कर रहा हूँ अपनी की का इंतजार, गाड़ी जो है रेडी है, तो अपनी गड्डी जो है एकदम चमक रही है। अभी जाने का टाइम है, अंधेरा भी हो चुका है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो ओनर्स मैनुअल है उसके पीछे लिखा होता है कि आपको कब सर्विसिंग कराना है। तो फर्स्ट सर्विसिंग जो है वो लिखा हुआ है 750 या फिर 1000 किलोमीटर के बाद आप करवा सकते हो, मतलब उसके अंदर 750 और 1000 किलोमीटर के अंदर आपको फर्स्ट सर्विसिंग करवाना है या फिर एक महीने बाद आपको करवाना है अगर आपका जो किलोमीटर वो पूरा नहीं होता है, लेकिन जो टाइम है वो होता है एक ही महीना हो चुका है आपको लिए हुए, तो उसके बाद जाके आप सर्विसिंग करवा सकते हो। डेट भी दिया हुआ है, मेरा डेट था 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक का 2020 में, मतलब काफी पहले करवाया था मैं और आज जाके मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसका। और बाकी आपको 4 सर्विसिंग फ्री में मिलती है होंडा की तरफ से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, पीछे थोड़ा सा कचरा वगैरह है इसे ध्यान मत देना, और नेक्स्ट वीडियो कुछ व्लॉग वगैरह होगा, मोटा व्लॉग होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही, आभार देखा हो नेक्स्ट वीडियो थे।